गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने नरी कुमोदभिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट के बारे में चर्चा की थी। फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पर जो मेगा स्पोर गुरु बीजाणु भी कहते हैं इसको। जो आकार में लघु बीजाणु से ये बड़ा होता है, अंडाकार दीर्घवर्तीय तथा ये हरे रंग का होता है। इसका जो शीर्ष पार्ट है, शीर्ष भाग पेपिला कहलाता है तथा ये जो मेगा स्पोर है ये दो आवरणों द्वारा आवरित रहता है, इंटाइन व एग्जाइन जो मोटे आवरण होते हैं जो इसकी सुरक्षा के रूप में कार्य करते हैं। पेपिला वाला जो पार्ट है जो शीट्स में पाया जाता है, इस भाग पर पतली झिल्ली महीन आवरण पाया जाता है तथा इस पेपिला वाले पार्ट पर ही कोशिका ध्रुव में केंद्रक उपस्थित रहता है तथा आधारीय पार्ट जो बेसल पार्ट है मेगास्पोर का, बेसल पार्ट में स्टार्च पार्टिकल्स स्टार्च कण उपस्थित रहते हैं। यानी ये दोहरे आवरण द्वारा आवरित ये पेपिला हो गया, ये इंडाइन और एग्जाइन जहाँ पर इनके स्टार्स पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं। अब देखते हैं कि इनका जो निर्माण है, डेवलपमेंट है, वो किस प्रकार से होता है। इस प्रकार से नरीगमोद होता है तो बीजाणु स्फुटन के 10 से 12 घंटे में इनका निर्माण हो जाता है। इसका जो न्यूक्लियस है केंद्रक अनुप्रस्थ विभाजन यानी इसकी आकृति हम देखें तो जो मेगा स्पोर है इसकी जो साइज 0.41 × 0.36 से लेकर 0.5 × 0.8 के मध्य की होती है। केंद्रक में अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं, प्रोथेलियल प्रोथेलियल सेल व एपिकल सेल। एपिकल सेल्स जो पेपिला वाला पार्ट है वहाँ पर प्रेजेंट रहती है तथा अधिकांश भाग में प्रोथेलियल सेल ही प्रेजेंट रहती है। जो फीमेल गैमेटोफाइट
के निर्माण के लिए आगे इसमें किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता। ये वहाँ पर उनके लिए पोषण के रूप में ये कार्य करती है। इस एपिकल सेल से ही फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। इस एपिकल सेल में तीन वर्टिकल डिवीजन होते हैं। तीन वर्टिकल डिवीजन होते हैं जिससे चार कोशिकाएं बनती हैं। इनमें एक सेंट्रल सेल, शेष जो तीन सेल्स हैं वो लेटरल सेल के रूप में कार्य करती हैं। अब इस सेंट्रल सेल में अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं, बेसल सेल और आर्केगोनियल इनिशियल सेल। ये जो आर्केगोनियल इनिशियल सेल्स है स्त्रीधानी प्रारंभिका, इसमें परिक्लाइनल परिक्लाइनल डिवीजन होता है जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं, प्राइमरी कवर सेल व सेंट्रल सेल। प्राइमरी कवर सेल व सेंट्रल सेल, ये जो प्राइमरी कवर सेल है इसमें उत्तरोत्तर दो एंटीक्लाइनल डिवीजन एंटीक्लाई नल डिवीजन होते हैं जिसके फलस्वरूप चार जैकेट इनिशियल्स, चार नेक इनिशियल का निर्माण होता है। ये जो चार नेक इनिशियल है इनमें एक एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है एंटीक्लाइनल डिवीजन जिसके फलस्वरूप चार कोशिकाओं युक्त दो के टीयर में फोर सेल युक्त टू टीयर नेक का निर्माण होता है। तथा ये जो सेंट्रल सेल है इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे दो प्रकार की सेल्स बनती हैं, प्राइमरी केनाल सेल तथा प्राइमरी वेंट्रल सेल। अभी जो प्राइमरी केनाल सेल है ये विभाजन में रूपांतरित नहीं होती तथा ये नेक केनाल सेल में रूपांतरित हो जाती है। नेक केनाल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। कभी कभी इसमें विभाजन के फलस्वरूप दो नेक केनाल सेल्स बन सकती है। ये जो प्राइमरी वेंट्रल केनाल सेल है इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे वेंट्रल केनाल सेल निधन व एक का निर्माण, अंडकोशिका का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। इसका जो प्रारंभ है अनुप्रस्थ डिवीजन होता है जिसे दो सेल्स बनती हैं, प्रोथेलियल सेल व एपिकल सेल। प्रोथेलियल सेल में कोई विभाजन नहीं होता, ये फीमेल गेमेटोफाइट के पोषण के लिए कार्य करती है। एपिकल सेल में तीन वर्टिकल डिवीजन होते हैं जिसे चार कोशिकाएं बनती हैं, एक सेंट्रल सेल के रूप में कार्य करती हैं, शेष लेटरल सेल।
फिर ये जो सेंट्रल सेल है इसे अनुप्रस्थ विभाजन दोबारा दो सेल्स बनती हैं, बेसल सेल और आर्किगोनियल इनिशियल सेल्स। आर्किगोनियल इनिशियल सेल्स में प्री क्लाइन डिवीजन होता है, जिसे प्राइमरी कवर सेल व सेंट्रल सेल बनती हैं। इस प्री प्राइमरी कवर सेल से में पुनः एंटी क्लाइन डिवीजन, जिसे चार नेक इनिशियल्स बनते हैं। इनमें पुनः एंटी क्लाइन डिवीजन होता है, जिसे फोर सेल युक्त दो टीयर नेक का निर्माण होता है, तथा ये जो सेंट्रल सेल है ये प्राइमरी केनाल सेल और प्राइमरी वेंट्र सेल में कन्वर्ट होती है। प्राइमरी केनाल सेल में विभाजन नहीं होता, ये नेक केनाल सेल में कन्वर्ट हो जाती है, तथा प्राइमरी वेंट्र सेल ये वेंट्र केनाल सेल और एग में रूपांतरित हो जाती है। अगर हम इसकी स्त्रीधानी की संरचना देखें तो उसमें नेक केनाल सेल, वेंट्र केनाल सेल और एग कोशिका उसके अंदर पाई जाती हैं, तथा स्त्रीधानी चारों तरफ से श्लेष्मी आवरण द्वारा आवरित रहता है। तो इस प्रकार से हमने फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम मार्सिलिया में पाए जाने वाले फर्टिलाइजेशंस व एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद।